वेलकम वंस अगेन टू क्रिकेट स्पेशल पाकिस्तान सुपर लीग के सात एडिशन का ग्रैंड फिनाले इस वक्त खेला जा रहा है। इट्स लाहौर वर्सेस मुल्तान, इट्स कलंदर वर्सेस द सुल्तान। लाहौर ने पहले खेलते हुए 181 रन का हदफ दिया है मुल्तान सुल्तान को। जब उनकी बैटिंग शुरू हुई थी पहले पावर प्ले तक ऐसा लग नहीं रहा था कि 160 से ज्यादा स्कोर बनेगा। इवेंचुअली दे मैनेज 181 का टारगेट और इसमें क्रेडिट जाता है हैरी ब्रुक्स को और डेविड वीसा को जिन्होंने जारहाना अंदाज में आखिरी के तीन ओवर्स में बैटिंग की है लाहौर कलंदर्स के लिए। मुल्तान सुल्तान अलबत्ता इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और मोहम्मद रिजवान आउट हो चुके हैं। दैट वाज अ वेरी वेरी बिग विकेट। हमने इससे पहले भी कहा था कि मोहम्मद हफीज का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा। हफीज नहीं, रिजवान को आउट किया, एक अनफॉर्चुनेट रन आउट भी हो गया। शान मसूद भी वापस पवेलियन लौट गए हैं। एक्सपर्ट्स का तारुफ कराते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया हुआ है राना प्लस फिटनेस ट्रेनर प्लस बडिंग एंटरप्रेन्योर सहर बेग ने। सहर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और ऑफ कोर्स एथलीट टर्न होस्ट मीशा इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त आप लोगों के सवाल नहीं ले रहे तो हम मीशा से पीएसएल के बस के बारे में बात करेंगे। शी इज ऑल्सो अ बिग क्रिकेट फैन, तो काफी मजेदार डिस्कशन रहेगा। बट इंजी 181 का टारगेट बेहतरीन मिल गया। बेहतरीन नहीं, बहुत अच्छा है। हम तो यहाँ सारे तवक्को कर रहे थे अगर 160 हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह लाहौर कलंदर ने आखिरी ओवर में, मेरे ख्याल में सारा खेल ये आखिरी ओवरों में के लिए रखते हैं, तो पिछले मैच में भी यही हुआ था, इस मैच में भी यही हुआ था। लेकिन बड़ा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये कि ये इतनी एग्रेशन से क्रिकेट खेल रहे हैं लाहौर वाले, क्योंकि देखने का मज़ा आ रहा है, पता चल रहा है, क्योंकि मैच है। क्योंकि सुबह सीकू भाई ने एक इतराज़ किया था कि शाहीन पे रिजवान की कि ये गले मिलते हैं, उन्होंने लगता है सीकू भाई की बात सुन लिए, तो दोनों बिल्कुल एग्रेशन से खेल रहे हैं कि जी। और मैच खेलने ऐसी चाहिए यार। नहीं, और सिकंदर फाइनल में भी अगर ये बज और ये फील नजर ना आए तो फिर क्या फायदा? मजा उसी का है कि एक दूसरे को घूरियां, गुस्सा, थोड़ा सा अंदर बातें हो, थोड़ी एक चीज और घूरी तो जब तक ये चीज ना हो ना, क्रिकेट का मजा नहीं आता। मैं तो नहीं मानता, फास्ट बॉलर को तो गुस्से में होना चाहिए भरा हुआ, या कुछ भी हो जाए। सर, इस किस्म के इवेंट्स हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, पाकिस्तानियों के लिए बड़े जरूरी हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज जो इंस्पिरेशन इस लेवल के इवेंट्स से मिलता है, दैट्स व्हाट वी आर प्लेइंग फॉर। या कंप्लीटली, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होगा कि मेरा जो बच्चा है वो शायद मुझसे ज्यादा अब क्रिकेट देख रहा है। कॉम को इकट्ठा कर रहा है, यू नो, एवरीवन्स लाइक लिटरली देयर इन द स्टेडियम, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, अदरवाइज एनर्जी, पैशन, ऑल ऑफ दैट इज सो मच हाई दैट यू नो हमें चाहिए ऐसे इवेंट्स। हम जिस दौर में रह रहे हैं, हमारे बच्चे ज्यादातर इंक्लाइंड हैं अपने मोबाइल्स पर रहने के लिए, गेम्स खेलने के लिए। जब इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, जो नहीं भी खेलता ना बच्चा, उसका भी दिल करता है वो बाहर जाके कुछ हिलजुल ले। आई नो, बेस्ट पता है दानिश इसमें होता है कि मैं पेरेंट्स को कहूंगा कि जिनको जहां मौका मिले अपने बच्चों को स्टेडियम जरूर ले जाएं एक दफा। दे मस्ट सी द अनफॉर्चूनेटली स्टेडियम भी कम हो गए ना, अब रहे नहीं है स्टेडियम। नहीं, मैचेस में। अच्छा, मैच होता है, जब भी मौका मिले इस किस्म के कोई मैचों में एक दफा ले जाके उनको वो टेस्ट दिखा दें, वो क्या है जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एक मैं हमेशा ले जाती हूँ एवरी सिंगल टाइम जब भी मौका बच्चों मिलता में है। बहुत ज्यादा शौक पैदा हो गया इनसी। जिस तरह हैरी ब्रुक्स ने और वीसा ने आखिर में बैटिंग की है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नज़र आए। हफीज का भी किरदार बहुत ज़्यादा अहम था, बिकॉज उन्होंने बीच में से आकर इनिंग्स को संभाला। यही चीज़ लाहौर कलंदर्स के गेम प्ले में अभी तक मिसिंग नज़र आ रही थी, जो आज हमें पूरी हुई। बिल्कुल सही कहा है कि हफीज़ का जो उनका रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो उसने बेस बनाई जिस पे जाके वीज़ा ने और ब्रुक्स ने ना स्कोर किया, कि उस टाइम ज़रूरत थी कि जी आप अपनी विकटें रोक बचाते और बीच में स्कोर करते। और ये वाली चीज़ है ना, अब ये मैं कह रहा हूँ कि मुल्तान वालों को भी देखनी चाहिए जिस तरह लाहौर ने बैटिंग की है, क्योंकि जी वो 15 ओवर तक बिल्कुल पैनिक नज़र नहीं आए। 15 ओवर के बाद उन्होंने अपना गियर शिफ्ट किया और मेरे ख्याल में 15 ओवर में उन्होंने 80 रन किए हैं, लास्ट पाँच ओवरों में तकरीबन 77 रन किए हैं। तो अगर आप यहाँ खड़े रहते हैं, आप विकेट पर स्टे करते हैं, तो एक ओवर भी मैच को चेंज कर देता है। जिस तरह वीज़ा ने पिछले मैच में एक ओवर से मैच चेंज हुआ था, अगर 142-43 होता, मेरा नहीं ख्याल कि जी इस्लामाबाद तो कोई मुश्किल होती। ठीक है, तो यहाँ स्टे करना ज़रूरी है। मैच में इस वक्त हमें बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन नज़र आ रहा है लाहौर और मुल्तान के दरमियान, लेकिन अब से कुछ देर पहले लाहौर के गज़ाफ़ी स्टेडियम में बदमजगी भी हुई थी। लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। रईस साहब, क्या हुआ था अब से कुछ देर पहले गज़ाफ़ी स्टेडियम में? काफ़ी कुछ सीन्स हमें ऐसे नज़र आए जो काफ़ी अफसोसनाक थे। देखिए, जो जब मैच शुरू हुआ था उस वक्त 7:30 बजे थे, लेकिन मामला ये था कि ये बदनज़मी हमें 5 बजे से ही नज़र आ रही थी, क्योंकि जो टिकट रखने वाले लोग हैं वो तकरीबन 6 बजे के करीब आने शुरू होते हैं, 5:30-6 बजे, लेकिन
हजारों लोग पहले स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, जो वहाँ पुलिस थी और जो जिले इंतजामिया थी, ये सब उनकी वजह से बदनजमी हुई और इतने ज्यादा बगैर टिकट के लोग अंदर चले गए। जब टिकट वाले लोग आए, स्पेशली आपको बताएं कि जो मेन ये पेविलियन है, पेविलियन के राइट और लेफ्ट पर एक तरफ इमरान खान इंक्लोजर है और एक तरफ फजल महमूद इंक्लोजर है, दोनों VIP हैं। और फजल महमूद इंक्लोजर में तो बेनतहा लोग घुस गए और जितने टिकट वाले लोग थे वो बाहर खड़े रह गए। हत्या के हम लोगों ने वहाँ शिकायत की हमारे हाथ में टिकट है, हम अंदर जाने दें। और यहाँ ऐसा भी हो कि मियाँ बीवी आए हैं, बच्चा साथ है, उनकी खवातीन जो है उनके भी कोई एहतराम नहीं किया गया, उनको धक्के दिए गए, धक्का दे खवातीन को नहीं, जो उनके साथ हस्बैंड था उसको हाथ से धकेल के आगे कर दिया गया। इतनी बदनजमी, जिनके लोग अंदर आए लड़ाई, जिनकी सीट थी उनकी सीट पे लोग बैठे हुए थे, ऑलरेडी वोटने को तैयार नहीं थे, वहाँ झगड़े भी हुए। इतनी बदनजमी जो हमने तो ऐसी कभी कराची में नहीं देखी, जितनी बदनजमी लाहौर में, स्पेशली फाइनल में बाहर देखे, उनके जंगले टूट गए, उसके वॉकथ्रू गेट टूट गए, पुलिस को मारना पड़ा, कई खवातीन देखे अपने किसी अजीज के कंधे पर चढ़ के बेचारी वो रही साहब। ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ है, बिकॉज एट टाइम्स हम देखते हैं जिनके हाथ में टिकट होता है उनको भी सिक्योरिटी चेक्स की वजह से अंदर जाने नहीं दिया जाता, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि बगैर टिकट चेक कर लिए या बगैर कोविड कार्ड चेक कर लिए उनको अंदर जाने दे दिया हो? देखिए जो आज मसला था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि या तो डबल का तकरीबन टिकट डबल जारी कर दिए गए, कुछ जाली टिकट भी वहाँ लोगों ने कहा जाली टिकट है, कोविड तो दूर की बात है, कोविड कार्ड तो कुछ देख नहीं सका वहाँ, तो इस तरह लोगों को घुसाया गया जिस तरह भेड़ बकरियों को नहीं घुसाया जाता किसी उनके बाड़ में। आज ये हाल रहा है वहाँ पर, आप अगर यहाँ खुद अगर आके एक बार देखते तो बहुत ही अजीब नजारा था। इस तरह लग रहा था कि शायद इस वक्त बिलावल का मार्च चल रहा है, इस तरह जुलूस में लोग चल रहे हैं। ए, रही साहब, इस वक्त हम आपकी आंखों देखा हाल जानेंगे, हम अभी यहाँ से निकलेंगे कराची से, जब तक पहुंचेंगे मैच खत्म हो जाएगा। रही साहब बहुत शुक्रिया हमें अपडेट कर रहे थे। फ्रैंकली जो फैंस वहाँ पर गए हुए हैं वी अंडरस्टैंड, आप बहुत नेट हैं, आप इस मैग्नीट्यूड की क्रिकेट पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, बट रिमेंबर ये मैचेस टेलीवाइज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ अपने इमेज का ख्याल नहीं रखना, आपने पाकिस्तान के इमेज का भी ख्याल रखना है। रिमेंबर व्हाट्स एट स्टेक हियर। मीशा, लोगों की एक्साइटमेंट अपनी जगह पर होती है, वो नजर आती है, बहुत पैशनेट कॉम है हम, बट थोड़ा सा जज्बात को काबू में रखना पड़ता है। इसमें लोगों की गलती नहीं, आप लोगों को क्यों ब्लेम करें, मैनेजमेंट की गलती है। बिल्कुल है मैनेजमेंट। देखिए मैं आपका एक्सपीरियंस बता दूं, अगर एक बात कह दूं, हाँ, इसमें ये तो वही बात हो गई कि चोर की गलती नहीं है, पुलिस की गलती है, पुलिस ने चोर को पकड़ा नहीं। नहीं नहीं, नहीं मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना आंखों देखा एक्सपीरियंस 1996 वर्ल्ड कप के फाइनल का बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। आई वाज देयर इन द ग्राउंड, मैं कमेंटेटर था, मैं खड़ा हुआ था, और जो बराबर का जो लेफ्ट साइड का जिसकी वो बात कर रहे हैं जो इंक्लोजर है, उस वक्त के गवर्नर ने एक बजे आकर कब्जा किया मेरे सामने, वो खड़ा हुआ था गवर्नर, ही इज नो मोर अलाइव, पता नहीं मुझे तो नाम भी याद नहीं उस गवर्नर साहब का, गवर्नर ऑफ पंजाब, वही वो स्टैंडिंग देयर, उसने पूरे अपने बंदे लाके कब्जा कर लिया, जो लोग टिकट वाले थे जिसमें मंसूर अली खान पटौदी, उनकी बेगम सारा बानो, सब रह गए बाहर। तो ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है, और जो अभी बता रहे हैं वो यही हुआ होगा, जो टिकट वाले बगैर टिकट वाले अंदर चले गए, टिकट वाले रह गए। ओवरऑल है बड़ा अनफॉर्चुनेट, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज मुझे अभी तक समझ नहीं आया, आई कांट मेक सेंस आउट ऑफ इट कि कैसे चले गए, बिकॉज कराची में हमने देखा लोगों के पास गैलरी पासेस थे तब भी उन लोग की चेकिंग हो रही थी, उनका वैक्सीनेशन कार्ड चेक हो रहा था, बाकायदा QR कोड चेक हो रहा था जो उस पास के ऊपर था। सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि हुआ कैसे है, और It's very unfortunate कि ये हुआ है, but having said that, cricket fans बड़े passionate हैं, तो I hope कि अब आगे जो ये है, अभी तक जो मैच चल रहा है, अंदर और कोई बदमाश। क्रिकेट बड़ा मजे का गेम है सहर, इसमें आप हिम्मत नहीं हार सकते, यू ऑलवेज गॉट टू स्टे होपफुल। जब पहले लाहौर खेल रही थी तो उनकी पोजीशन इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही थी, उसी तरह जब अभी मुल्तान सुल्तान खेल रहे हैं वो भी थोड़ा सा प्रेशर में इस वक्त नजर आ रहे हैं, 8 ओवर हो गए हैं, 4 आउट हो गए हैं, 50 रन उन्होंने बनाए हुए हैं, बट दिस स्टिल कैन नॉट गिव अप, दिस इज व्हाट दिस गेम टीचेस यू, द स्पिरिट। आई थिंक एनी स्पोर्ट लाइक आई एम अ रनर, तो एंड तक यू नो मुझे भी जाना है, तो इसी तरह इसमें भी एंड टेक्निकली इट्स अ फाइनल मैच टुडे, सो द प्रेशर इज सो मच। मैंने अभी परसों इस्लामाबाद और लाहौर का मैच देखा था, और उसमें भी मुझे लग रहा था कि एवरी वन वॉज यू नो फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रेथ, वो द लास्ट कपल ऑफ रन, सो ऑनेस्टली ये तो फाइनल है, सो हर एक की स्पिरिट हाई होगी, और इन्होंने फाइट तो करना है एंड तक। बट इंजी मैच अब लाहौर के हाथ में काफी हद तक आ गया है, बट अभी भी जान लगा है, जमान खान बड़े स्पेशल रहे हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, डेफिनेटली अ फाइंड फॉर लाहौर कलंदर्स दिस ईयर।
नहीं अच्छी चीज है कि फाइट ग्राउंड में भी हो रही है और बाहर भी हो रही है। बाहर वाली सही नहीं है, दोनों जगह हो रही है, बड़ा क्रूशल मैच फंसा हुआ, बड़ा मैच है, दोनों जगह हो रही है। नहीं लेकिन नहीं लेकिन ये इस टाइम है ना लाहौर ने बड़ा कंट्रोल किया है क्योंकि जी चार ओवरों में 41 रन थे, अब 8 ओवरों में वो 47-48 रन पे आए और 4 विकेटें भी उनको मिल गई हैं। तो ये है कि जी प्रेशर जहां आपने लूज़ किया ना, क्योंकि जहां रिजवान वगैरह की एवरेज सही चल रही थी तो वहां जहां आपको विकेट मिली है तो लाहौर ने ना वहाँ फ़ायदा उठाया। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि शाहीन आफरीदी की ना जो उनसी शाहीन की कैप्टनसी है, क्योंकि जी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि जिस टाइम उसने प्रेशर डालना होता है ना वो दूसरी टीम पे प्रेशर डाल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए लाहौर वालों को, क्योंकि जिस तरह बड़ा मैच हो ना एक दफ़ा जिस टाइम आप 4 ओवरों में 40 हो जाए कोई विकेट ना लगे तो वहाँ से कम बैक करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन है ना क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि जी बॉलर्स को कि उन्होंने जिस तरह वापसी की है। ठीक है जी, एक बड़ी तादाद में लोग तो पहुंचे, लेकिन जो जो लोग लाहौर नहीं आ सके उन्होंने अपने अपने शहरों में अहतमाम किया, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं, छोटे छोटे ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स पर, चाय की दुकानों पर रश लगा हुआ है, लोग मैच को इन्जॉय कर रहे हैं। गुजरांवाला लिए चलते हैं आपको जहाँ मौजूद है उस्मान खलील। उस्मान, कैसे मनाज़िर देख रहे हैं अपने सामने आप? फाइनल मैच है उसको एंजॉय कर रही है, आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो कितनी बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट यहां पर मौजूद हैं, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ शायकीन क्रिकेट लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ शायकीन से भी बात करते हैं। जी आप बताइएगा किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा जो गुजरांवाला है वो लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हम भी समझते हैं हम लाहौर कलंदर के साथ हैं। अजी जैसा कि आपने शाकीने क्रिकेट की बात सुनी, कहते हैं कि हम आज लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मुल्तान सुल्तान के सपोर्टरान भी हमने देखा कि यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उस्मान बड़े कॉन्फिडेंट थे कि दोनों टीमों के लिए सपोर्ट मौजूद है, लेकिन भाई तो कह रहे थे यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे लाहौर को सपोर्ट करें, यहाँ पर वैसे कुछ यही हालत है, बाकी सब तो हमने जान लिया है। गुजरांवाला वाले लोगों से पूछा है, वो उनसे पूछा था कि जी आप क्या किस टाइम कितना खाते हैं, वो ये कहते हैं कि हम खाने का तो नहीं पता लेकिन जिसमें थक जाते हैं तो रुक जाते हैं खाने का, ठीक है ना? But you would not agree with that. तो उससे पूछा उसने कहा कि नहीं मैं अकेला नहीं सब है। So, वो खुले दिल के लोग हैं, उनकी अपनी राय है तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन बड़ा बड़ा अच्छा देना असल में, क्योंकि जी किसी को भी सपोर्ट करेंगे कि जी कुछ मुल्तान के होंगे कुछ लाहौर के होंगे, लेकिन आप ये देखेंगे शहर शहर में इसकी वजह से लोग बैठे मैच देख रहे हैं जी। एक वाकई पूरी कौम है ना एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है हमारी इस चीज़। बिल्कुल ऐसे ही आप शहर शहर की बात करें, कुछ और शहरों के मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। लोअर दीर में मौजूद है एहसान, वहां पर कितने लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। जी एहसान, यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े बड़े स्क्रीन जो है वो लगाए गए हैं, इसमें शायकीन अपने अपने हामी हैं उनके लिए यहाँ पे मौजूद है और अपने उनके सपोर्टर जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। कोई जो है वो कहते हैं कि लाहौर कलंदर जीत जाए और कोई कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान जो है वो जीत जाए, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी शायकीन है वो इनका यही कहना है कि पाकिस्तान में तवील अरसे के बाद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जो है वो आए हैं और यहाँ पर दोबारा खेलों की सरगर्मियां जो है वो बहाल होंगे और इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान में होने वाले मैचेस जो है वो दोबारा जो है वो शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर शायकीन मौजूद है, इस हवाले से मजीद उनसे जानते हैं कि आज के मैच के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। आज की मैच के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा फेवरेट टीम जो है वो लाहौर कलंदर है, लेकिन जो मैच भी जीत जाए जीत तो वैसे ही पाकिस्तान के है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बाहर ममालिक के खिलाड़ी आ रहे हैं पाकिस्तान में। फेवरेट तो सारी टीम है क्योंकि सारे पाकिस्तानी इसमें शामिल है, लेकिन हमदर्दियाँ जो है लाहौर कलंदर के साथ है। बहुत शुक्रिया एहसान, लोअर दीर का अहवाल बता रहे थे और इतनी बड़ी स्क्रीन, आई एम श्योर लोअर दीर में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी भी होंगी, बट आपको यहाँ का माहौल ज़्यादा पसंद आया होगा। सिकंदर, ये ब्यूटी है फिर PSL की ना, पूरा एक महीना पूरी कौम सिर्फ क्रिकेट को देखती है। यार देखो पाकिस्तान में क्रिकेट इज द बाइंडिंग फोर्स, बिल्कुल ऐसे वाहिद चीज़ है कि जिसमें हर जुबान बोलने वाला, हर इलाके का रहने वाला, वो सब पाकिस्तान की बात करते हैं। आप किसी पाकिस्तान के मैच में चले जाएँ, अगर इस किस्म का मैच हो जिसमें क्राउड होता है, आप देखें कि हर कोई पाकिस्तान के लिए, कोई जुबान बोलने वाला, चाहे बाद में हम आपस में लड़ रहे हो कुछ भी हो, तो ये इट्स अ बाइंडिंग फोर्स। और ये जो PSL है ये हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट है और इसको हमें ऑब्वियसली नजम सेठी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने स्टार्ट लिया। और अब मैं इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन
रमीज राजा को ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी अपनी क्वालिटीज़ दिखाई हैं फॉर मैनेजमेंट, उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई हैं। सर, वी टॉक टू यू अबाउट दिस एज़ वेल, बट मीशा, जब भी कोई इस किस्म का पिछले शो में भी ये बात कर रहे थे कि इवेंट एक पर्टिकुलर स्पोर्ट का होता है लेकिन इंटरेस्ट तमाम स्पोर्ट्स में डेवलप हो जाता है, वो एथलीट्स भी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी सोचते हैं यार हमें बाहर निकलना चाहिए, दूसरी जो एसोसिएशंस हैं वो भी एक्टिव हो जाती हैं कि हमें भी कोई इवेंट कराना चाहिए, उसको टेलीवाइज करना चाहिए। सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, यार थिंग्स आर डेफिनेटली गेटिंग बेटर एंड फॉर ऑल स्पोर्ट्स लाइक यू जस्ट सेड कि क्रिकेट तो जब हो रही होती वो तो हो रही होती बट उसके साथ साथ बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है दूसरे स्पोर्ट्स को भी। जैसे अभी मैं देख रही थी कि अभी से मैं जो है लोगों ने फुटबॉल के जो टूर्नामेंट्स हैं वो डिज़ाइन करने शुरू कर दिए कि अब हमें भी करने हैं। देन हम देख रहे हैं जैसे KPL भी होने लग गई है, बहुत सारी वो तो है क्रिकेट बट जैसे मैंने बहुत अरसे थ्रो बॉल खेला है तो वहाँ से भी मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि हम एक और अब कोई कॉम्पिटिशन एक लीग कराने लगे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब एक ब्रांड को ग्रो होता हुआ लोग देखते हैं तो उससे बहुत बड़ी मोटिवेशन सब ऐसे ही सेम कोर्स फॉर रनिंग से हर काफी एक्सपोजर मिल गया है रनर्स को। आप मुताबिक इवेंट्स होते हुए देखते हैं, हर संडे को कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है एज फार एज रनर्स। हां, क्योंकि काफी ज्यादा वो बन गए हैं ना, लाइक ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं छोटी बड़ी व्हाटएवर। या बट एक चीज मैं कहूंगी क्योंकि अभी क्रिकेट चल रहा है तो हर कोई ज्यादा पैशनेट भी हुआ है, कुछ चीजें बहुत शॉर्ट लिफ्ट भी होती हैं। सही है, लाइक वो पैशन, यू नो, for example running ke liye when I was practicing for my marathon, you know, thon, you know, before going, so mere paas itna resources nahi the and I couldn't, you know, reach out ki akele bhag liya whatever, so thoda sa aur agar dhyan de including the passion everything all combined management, so I mean I think things can actually improve more like double fold na. ठीक है, सिकंदर मैच की तरफ वापस आते हैं। समित पटेल इस वक्त ओवर अपना करा रहे हैं, अभी तक सिर्फ 4 रन दिए हैं, 4 ओवर्स में अगर यही हाल रहा तो बिल्कुल ही दीवार से रखेगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि शुरू के पहले घंटे में कि हमें जो क्या बात है आपकी, सब सही कहते हैं, मैं तो कहते ही काम ही कहना है मेरा। हमने ये डिस्कस किया था कि लाहौर कलंदर को सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि उन्हें पिच कंडीशंस पता लग गई हैं, तो पिच कैसे खेल रही है कैसे नहीं खेल रही और उनके पास स्पिनर्स कितने हैं उनको किस तरह यूटिलाइज करना है, ये उसने शाहीन ने प्लान कर लिया होगा। और तो ऑब्वियसली इस वक्त पटेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, उनके जो 4 ओवर हैं देयर विल बी डिसाइसिव किस्म के ओवर्स होंगे। लेकिन इनजी कोई जोड़ी अगर ये मैच निकाल सकती है लाहौर को, रायली रूस और टिम डेविड की जोड़ी है, ये दोनों ही साबित कर चुके हैं सिर्फ इस साल नहीं पिछले सालों में भी कि ये बड़े तीखे हैं, ये एक दफ़ा सेट हो जाते हैं तो बड़ी इनिंग्स खेलने की अहलियत रखते हैं, डेंजरस जोड़ी है ये। नहीं, बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है कि दोनों बहुत लंबी हिटें मारते हैं और अब तक जो चीज़ देखने में आई है कि 12-13 रन की भी एवरेज होना, 1-20 से 22 रन का ओवर आ जाए ना पकड़ लेते हैं तो आप वहाँ ना पहुँच जाते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि जी मैच है ना बिल्कुल चला गया, लाहौर कलंदर इस टाइम बहुत मजबूत पोजीशन में है लेकिन मैच हुआ सेम सूरत हाल है ना इस बैटिंग में, लाहौर कलंदर की भी यहाँ इसी तरह की थी लेकिन वहाँ भी एक पार्टनरशिप लगी तो सूरत हाल डिफरेंट हो गई। लेकिन यहाँ सिर्फ मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये दोनों ना स्ट्रगल कर रहे हैं, हफीज़ जिस टाइम खेल रहा था और वो ऐसी स्ट्रगल नहीं कर रहा था, वो सिंगल आराम से ले रहे थे, इनके लिए ना थोड़ी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, दोनों बाहर के प्लेयर हैं ना अगेंस्ट स्पिनर्स है ना, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि बॉल ग्रिप कर रहे हैं ना तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, इतना ईजी नहीं खेल सक रहे, तो हो सकता है कि सेट होने के बाद थोड़ा सा चेंज हो कि शुरू हो गया वैसे काम तो डेफिनेटली चांस तो ये लेंगे अब क्योंकि जी 10 ओवरों में अब इनको 12.5-13 रन की एवरेज चाहिए तो अब ये थोड़ा सा चांस लेंगे तो मेरे ख्याल में कि जाना चाहिए करीब जरा मैच को मज़ेदार होना चाहिए। सिकंदर पेसर्स का बॉल तो फिर भी बैट पर आ रहा है और इट्स कमिंग ऑन लेकिन स्पिनर्स का बॉल तो बिल्कुल ही फंस के आ रहा है, हफीज़ के सारे ओवर यहाँ पर होने बहुत जरूरी हैं, अगर हफीज़ के कुछ ओवर रह जाते हैं तो उसने कर दिए, हफीज़ ने तो 4 ओवर कर दिए, 24 रन दे के 2 उसने आउट कर दिए, अब रह गए इनके पास पटेल के 2 ओवर रह गए। अच्छा, बात असल ये है कि इस पिच को मैं ज़रूर ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करूंगा कि जो भी ग्राउंड मैन था जो आगा जाहिद साहब हैं उनको एक अच्छी बैटिंग ट्रैक बनाना चाहिए, 180 बन गया जान लेनी है थोड़ा सा और भी अच्छी बैटिंग ट्रैक बन सकता था, हमने तो शुरू से देख लिया था स्पिन का, यहाँ पर अब पटेल को वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं, इनके पास कोई और स्पिनर है, इनके पास लाहौर के पास कोई ऐसा नहीं पार्ट टाइम, कोई पार्ट टाइम बाय बाय किसी पिच पर अगर 181 रन लग जाए तो क्या वो बहुत बुरा ट्रैक होता है? नहीं, बहुत बुरा ट्रैक नहीं होता सीकू भाई, इसलिए कह रहे हैं कि ये 60 की बाउंड्री है, 60 की बाउंड्री पे ना ये कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है क्योंकि जी ये बड़ा स्कोर इसलिए लग रहा है यहाँ, अगर ये विकेट ट्रू होती ना तो ये 180 स्कोर है ना कुछ स्कोर है ना कुछ भी नहीं था क्योंकि ये बनाने में बड़ा आसान है, ठीक है ना, तो इसलिए ना ये यहाँ
उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि का बॉल ग्रिप हो रहा है, क्योंकि जी पटेल अगर बॉलिंग कर रहा है दो ओवरों में चार रन्स दे रहा है, हफीज़ ने ना चार ओवरों में 24 रन्स दे रखे हैं, पहले जो उनके बॉलर्स थे मुल्तान वाले आसिफ आफरीदी ने स्कोर नहीं दे रखा था, तो इसका मतलब है कि जी मुश्किल पिच तो है स्पिनर्स के लिए। तो अगर एक सवाल मेरा है, आप जिक्र क्या ना ये 60 yard की बाउंड्री, क्या ये होनी जरूरी है? नहीं, बिल्कुल होनी जरूरी नहीं, ये सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ नेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं हमारे लड़के फिर फंस जाते हैं 70 की बाउंड्री पे, 75 की। जी होना तो इसी तरह ही चाहिए कि एक विकेट और गिर गई है तो दैट्स अ गुड कैच अगेन। So, और बड़ी विकेट मिली है इस वक्त वाइली रूसो की, और विकेट हासिल की है जमान खान ने, हु इज बीन बॉलिंग ब्रिलियंटली थ्रू आउट पाकिस्तान सुपर लीग 7th एडिशन। और वाइली रूसो का यहां पर आउट होना मजीद बैकफुट पर धकेलेगा मुल्तान सुल्तान को। सिकंदर, क्रूशियल विकेट, बहुत ही अच्छी विकेट ली है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की विकेट ली है, और कैच भी बड़ा अच्छा। देखें, मैं नोट कर रहा हूँ कि कल उस दिन भी जो पिछला मैच हुआ है जो कि एलिमिनेटर था, जी जी, उसमें भी लाहौर वालों ने कैच बड़े अच्छे पकड़े, जो आखिरी कैच अब्दुल रशीद ने लिया था, बारिश हो रही थी। आज भी देखें वो ये जो भी जो कैच पकड़ा है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, और आखिरी लम्हों में इस किस्म के कैच पकड़ना नो बॉल नहीं, इस किस्म के कैचेस जो होते हैं बड़े ट्रिकी होते हैं, क्राउड शोर मचा रहा होता है, गेंद आ रही होती है, और उसमें फैंटास्टिक, मैं कहता हूँ कि वेरी वेल डन जो कैचिंग है आज के दिन। ये देखें ये लाहौर के जो पिछले मैच में भी इस मैच में स्टैंडर्ड वाइज बहुत जबरदस्त है, वो मतलब दे आर चेकिंग के उसका बाउंड तो नहीं टकराया, और मतलब एक्सेलेंट कैच। ठीक है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो अंदाजा होगा उनको कि ये कैच कितना अच्छा था और कितना मुश्किल था, क्योंकि जहां बॉल आपके सर से ऊपर से चला जाता है तो उसको पकड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रिमाइंडर जी न्यूज़, फैजान लखानी इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद है। फैजान, आई एम श्योर मुझे यहाँ पर चीख के बोलना पड़ेगा आपको, फिर भी आवाज नहीं आएगी, बस कैसा नजर आ रहा है आपको कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में? आई एम श्योर यू एंजॉयिंग द मैच एज़ वेल। बिल्कुल, बस ऐसा है कि मैं शायद अल्फाज बयान ना कर सकूं, कोई उसको की भी समझ सकता है जब तो खुद जो ऐसा 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 एक्साइटमेंट है, और क्यों ना हो कि लाहौर में फाइनल लाहौर की टीम खेल रही है, और लाहौर की टीम इस वक्त अपर है ना, तो क्राउड आर ऑन देयर फील्ड और एंजॉयिंग एवरी मोमेंट। बड़ा जबरदस्त यहाँ पर माहौल है, और जिस तरह आप कह रहे थे टूटे पहले एक बड़ा जबरदस्त कैच किया और पास भी कामयाब जो कलंदर ने हासिल की, तो इस वक्त अब हर 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 जो मतदान यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद है वो ये कह लेके भरपूर अंदाज में हर लम्हे को एंजॉय कर रहा है। मैच के आगाज में जब लाहौर कलंदर्स की बैटिंग शुरू हुई थी तो थोड़ी सी इफी लग रही थी लाहौर कलंदर्स के लिए सूरत हाल, अब मुल्तान की सूरत हाल कुछ ऐसी है, बट इस गेम में हमें काफी ट्विस्ट नजर आए हैं, फैजान एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ और ट्विस्ट आना? देखें, जब तक खुजिल और टिम डेविड जो इस वक्त विकेट पर मौजूद है, ये दोनों ऐसे हैं जो मैच का पांसा पलट सकते हैं, तो बड़ी नफी तुली बॉलिंग करनी पड़ेगी, और आप अब भी 5 विकेट लेने के बावजूद भी कलंदर की टीम या कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, गो के 11 ओवर के खिताब पर 71 स्कोर हो चुका है पाकिस्तान का, और अभी कुछ 110 के लगभग रन यहाँ पे दरकार है, तो इतना आसान नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन जब तक टीम डेविड और कुछ विकेट पर मौजूद है आप एक अच्छा कॉन्टेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, फैजान लखानी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए, आप भी मैच एंजॉय करते हैं, हम आपको वक्तन फवक्तन तंग करते रहेंगे। इनजी एक और अच्छी विकेट मिल गई यहाँ पर, लेकिन जैसे फैजान कह रहे थे खुशदिल शाह भी बड़ी अच्छी निक में है, कैमियोज खेले उन्होंने, आज उनके पास मौका है कि वो कैमियो को एक बड़ी इनिंग्स में तब्दील कर सके और अपनी टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सके। नहीं बिल्कुल, ये आज मौका है, और अगर आज स्कोर करते हैं तो जिस तरह अभी मैच से पहले थी कि जिस तरह खुशदिल ने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है, तो जिस तरह 6 नंबर पे हम आसिफ को देख रहे थे वहाँ खुशदिल को भी देख सकते जी। लेकिन यहाँ दोनों की जोड़ी है ना, ये टिम डेविड भी है ना, ये भी बड़ा हिटर है, क्योंकि जी सारों ने पूरे इस टूर्नामेंट में देखा है ये भी बड़ी हिटें मारता है, और इनको बड़ी जल्दी चाहिए 1 से 2 ओवर है ना कि 18-18, 20-20 रन्स के होना, ताकि नहीं तो अगर एवरेज कहीं 15-16 से ऊपर चली गई ना तो वहाँ फिर इनके लिए ना मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह 112-113 रन्स चाहिए, 15 रन्स चाहिए 8-9 ओवरों में, तो एवरेज ऑलरेडी बड़ी हाई है, अगर ये 15 से नीचे एवरेज रही तो ये कर सकते हैं। ठीक है, लाहौर ने 15 ओवर में किए थे 103, उनके 4 आउट थे, उन्होंने लास्ट 5 ओवर में 77 रन्स किए, तो Anything is possible. हर गुजरती बॉल, हर गुजरते ओवर के साथ मैच या मुल्तान सुल्तान से दूर जाता जा रहा है, but they can bring it back. We'll take a break and we'll be right back in a while. हमारे साथ रहिएगा।
Welcome back once again to Cricket Special. Pakistan Super League के साथ मेडिशन का फाइनल खेला जा रहा है लाहौर के अंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। अगर ये कहा जाए कि मुल्तान सुल्तान को ये मौजाती इनिंग्स या मौजाती पार्टनरशिप बचा सकती है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब 41 गेंदों पर 99 रन दरकार हैं मुल्तान सुल्तान को दूसरी बार PSL का टाइटल अपने नाम करने के लिए। हम अपने एक्सपर्ट्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करेंगे मुल्तान का, जहाँ मौजूद है रजब अली। रजब, मुल्तान इस वक्त काफ़ी बुरी सिचुएशन में है, लेकिन मुल्तान वाले आई एम श्योर अभी भी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल, PSL का फाइनल मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के दरमियान जारी है और बड़ा कांटेदार मुकाबला जारी है। आज पूरे मुल्क की तरह लोधरा में भी क्रिकेट का बुखार सर चढ़ कर बोल रहा है और नौजवानों ने शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाकर मैच देखने का अहतमाम किया गया है। होटलों के सामने लोग स्क्रीनों पर बैठे हैं और इसमें PSL के मैच को देख रहे हैं, फाइनल को देख रहे हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक मुकामी कॉलेज में, जहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच दिखाया जा रहा है और बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं मौजूद हैं। मुल्तान सुल्तान क्योंकि जनूबी पंजाब की टीम है, इसलिए यहाँ पर मुल्तान सुल्तान के ज़्यादा सपोर्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ लाहौर को सपोर्ट करने वाले भी नौजवान मौजूद हैं और वो बॉलिंग पर भी दाद दे रहे हैं और बैटिंग पर भी दाद दे रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या मुल्तान के सुल्तान अपनी सुल्तानी को बचा पाएंगे या लाहौर कलंदर पहली मरतबा PSL का चैंपियन बन पाएगा। जी राइट रजब अली, बहुत शुक्रिया। लोधरा में मौजूद है जो कि मुल्तान के मजाफात में ही मौजूद है, सो यू वांट कंप्लीटली रॉन्ग देयर। हैविंग सेड दैट, इनजी मुल्तान सुल्तान को मौज से जा सकता है, बिकॉज सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गई है अब उनके लिए। नहीं, 15 रन की एवरेज हर ओवर में करना और 7 ओवर तक मुसलसल करना मुश्किल है, और जहाँ लाहौर कलंदर की बॉलिंग भी अच्छी है, पिच इतना आसान नहीं लग रहा क्योंकि जी बैट्समैन के लिए कोई फ्रेंडली पिच नज़र नहीं आ रहा इस टाइम। और अभी शाइन के ओवर पड़े हैं, रऊफ के ओवर पड़े हैं, उसने जमान 2 ओवर है ना उसके भी, जमान के भी ऐसे 2 समित पाटिल के 2 ओवर है ना, वो बहुत वाइटल होंगे क्योंकि जी उस पर डिपेंड करता है कि जी आके वो किस तरह के बॉलिंग करता है। वैसे कामरान रसूल के भी ओवर पड़े हैं 4 के 4 कामरान गुलाम के, लेकिन वो शाइन ना कराए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, वो आप कह रहे थे कि अगर मुल्तान को गेम में इन करना है तो उसको ओवर दे दे, गेम में इन करना तो उसको दे सकते हैं। बुरा बॉलर नहीं है वैसे वो, हैं इतना बुरा बॉलर नहीं, आप बॉलिंग दे के देख लें। नहीं, ये मैंने आदेश रूफ का बड़ा अच्छा है, 2 ओवर में 7 रन दिए। जी नहीं, बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लाहौर कलंदर ने सेकंड इनिंग्स में जो अपनी बॉलिंग की है ना, तो बहुत अटैकिंग बॉलिंग की है, बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेली है। हालांकि मुल्तान ने 4 ओवरों में 40 रन कर लिए थे, ठीक है जी, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इनका जो एग्रेशन था ना वो देखने से ताल्लुक रखता था, उसकी वजह से ये गेम में वापसी आए हैं। ठीक, आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं, सियालकोट का कसूर है, वहाँ भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और कितना मैच इन्जॉय कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। हमारी दुआएं सब लाहौर के साथ हैं, हम चाहते हैं लाहौर विन करे। वैसे तो दोनों टीमें ही पाकिस्तान की हैं, हम क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, साथ दुआ करेंगे कि लाहौर कलंदर ही विन करे। मैं लाहौर को सपोर्ट कर रहा हूं, मेरी दुआएं लाहौर के साथ, इंशाल्लाह लाहौर कलंदर जीतेगी। जो मैच हो रहा है लाहौर कलंदर और मुल्तान के दरमियान, मैं इंशाल्लाह ताला मुल्तान विन करेगा और लाहौर कलंदर को चकनाचूर करके मुल्तान इंशाल्लाह ताला ये कप ले उड़ेगा। लाहौर लाहौर ये जो मर्जी हो, ये लाहौर ने जितना जे वेख लियो, चैलेंज है तुहाडे नाल, मुल्तान वाले चैलेंज है तुहाडे नाल। हमारी दुआ जो है मुल्तान के साथ, इंशाल्लाह मुल्तान जीतेगी। वैसे तो दोनों टीमें पाकिस्तान की है, इंशाल्लाह मुल्तान विन करेगी। ऐसे होते हैं फैन, इतने कॉन्फिडेंट कि भाई वाह, मतलब आज मुल्तान ही जीतेगा जी, और लाहौर वाले कह रहे हैं आज लाहौर ही जीतेगा। फैंस तो ऐसे ही होते हैं। सिकंदर, कराची का नहीं दिखाया आप लोगों ने, बहुत देर हो गई उसके लिए। अच्छा। 6 साल पहले सिकंदर जब हम बात किया करते थे पाकिस्तान सुपर लीग की, जब पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो रहा था, वी टॉक अबाउट दिस फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि उस वक्त तक इतना दिमाग नहीं बना हुआ था लोगों का, उस वक्त तक हम नहीं समझ पा रहे थे कि यार लाहौर की टीम से तो लाहौर के लड़के ही नहीं खेल रहे, कराची की टीम में तो कराची के लड़के ही नहीं है, तो कैसे वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा, लेकिन वो हो गया है। नहीं देखें, ये टाइम लेता है ना, 2-3 साल के अंदर ये जो PSL है, अब तो माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है और ये हमारे अब जान हो गई है क्रिकेट की, जान हो गई है कि जब भी ये PSL होगा उसके बाद फिर माशाल्लाह से इस साल जो टीमें आने वाली हैं तो अल्लाह करे इसी तरह का क्राउड वहाँ जाए, मतलब एक फुल हाउस हो और ऑस्ट्रेलियंस को भी मज़ा आएगा, आई एम श्योर वो देख भी रहे होंगे इस वक्त क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ बन गई है पाकिस्तान क्रिकेट की और हमें इसकी हिफाजत करनी है और इसको बहुत प्यार से मोहब्बत से लेके चलना है। जितनी हम बात कर लें सहर, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, जहाँ इंटरेस्ट होता है वहाँ हमें डेवलपमेंट नज़र आती है, वहाँ हमें निखार नज़र आता है। तो जब आप सिटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देते हैं तो उस शहर के लोग आपको ज़्यादा जान लगाते हुए नज़र आते हैं कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना, हम अपने शहर के लिए भी खेल सकते हैं और फिर सीढ़ी चढ़कर हम पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड। या एग्जैक्टली यू सेड इट ना, कि अपने शहर के लिए खेल रहे हैं, फिर उनका यू नो
आगे भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा. बट लाइक ही सेड आई मीन आई थिंक इट्स PSL is representing Pakistan. I don't think we have anything beyond this. But आप भी समझते हैं कि इसी किस्म का मॉडल मुख्तलिफ स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए होना चाहिए, बहुत जरूरी. हॉकी के लिए भी हो, रनर्स के लिए भी हो, मैराथन सिर्फ कराची के सीव्यू पे ना हो रहे हो, पूरे पाकिस्तान में हो. That's the thing. Pick करें different शहर के runners, best runners को pick करके उनको इकट्ठा करें, you know, all of that. छोटे मोटे इवेंट्स तो होते रहते हैं, बट जो भी है उसको प्रोटेक्ट भी हमने करना है. भी आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोग पुश करें ना अपने अपने गेम को. हाँ, मैं वी आर डूइंग एज मच एज वी कैन, बट अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट दैट नीड्स टू कम मे बी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस आल्सो, राइट? तो उसके अलावा बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं जो मैंने भी अपने स्पोर्ट में भी देखा है कि हुई हैं. लाइक यू सेड कि आप पहले अपने, जैसे मैंने पहले सिंध से खेला, फिर कराची से खेला, देन आई वेंट ऑन टू पाकिस्तान. बट इवन व्हेन आई वेंट ऑन टू पाकिस्तान, बहुत सारे थे athletes who were left behind because they did not have the resources to go forward, right? तो वो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और जब तक वो नहीं होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स क्रिकेट को बहुत वाइडली देखा जाता है, तो इसलिए उसके ऊपर इतनी रिसोर्सेज भी इन्वेस्ट हुई हुई हैं. फॉर दी अदर स्पोर्ट्स साइड से कि बहुत काम करने की ज़रूरत है, हो रहा है, बट देयर इज अ लॉट व्हिच कैन स्टिल हैपन एंड दैट नीड्स टू हैपन. सिकंदर, नो जर्नी इज इम्पॉसिबल, ऑल यू गॉट टू डू इज बिगिन. किसी भी आप स्पोर्टिंग इवेंट को ले लें, आप ये नहीं सोच सकते कि हमें इसके लिए तो स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे. PSL का आगाज़ भी आपको याद होगा, स्पॉन्सर्स मिल रहे थे सर टीमों को? नहीं मिल रहे थे. लेकिन जैसे ऐसे रुझान बढ़ता गया, इंटरेस्ट डेवलप होता गया, स्पॉन्सर्स भी ऑन बोर्ड आते रहे. हमने जियो सुपर के लिए टेप बॉल टूर्नामेंट कवर किया, तमाम टीमें स्पॉन्सर्ड थी, प्लेयर्स स्पॉन्सर्ड थे, ड्राफ्टिंग के जरिए प्लेयर्स को पैसे दिए जा रहे थे. तो स्पॉन्सर्स आ जाते हैं अगर हम उनको शो दें. एक तो स्पॉन्सर्स को हमें इज्जत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और प्रॉपर उनको कवरेज देनी चाहिए. अभी जब फाइनल में जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रेसिडेंट साहब नज़र आए मुझे, वो शायद आरिफ अलवी साहब आए हुए, उसके बाद मैं देखूंगा कि उन स्पॉन्सर्स को किस तरह का वो अब प्रोटोकॉल मिलता है. मगर देखो, बात असल ये है कि हमारी जो पूरी स्पोर्ट्स थी 1996 में अमेरिका के एक स्कूल में मुझे जो है ना जाना पड़ा बताने के लिए रिगार्डिंग पाकिस्तान. जबरदस्ती जाना पड़ा था? नहीं, बच्चे थे वहाँ पर, मुझे जाना पड़ा. मेरे नेफ्यूज वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान डे मनाए. मैं जब उस दिन गया 96 में, मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान इज वर्ल्ड चैंपियन इन फोर स्पोर्टिंग इवेंट्स, क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर और स्क्वाश. वी वर वर्ल्ड चैंपियन इन फोर गेम्स. आज हम कितने में, किधर गई हॉकी, किधर गया स्क्वाश? क्यों? इसलिए कि आपने वो जो इंसेंटिव था लड़कों का, वो छीन लिया. हमें जो बच्चे जो है ना, गरीब बच्चे, इनको नौकरियां दें. देखिए, बिजनेस मॉडल आपके सामने है, PSL का मॉडल आपके सामने है, जहां आप फोकस करते हैं, जहां आप प्लेयर्स का ख्याल रखते हैं, जहां आप उनको डेवलप करते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, आपके सामने रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं. पाकिस्तान टीम लुक्स लाइक अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें. उसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पर फोकस किया जा सकता है. मीशा इमरान, आपका बहुत शुक्रिया. सैयद बेग, आपका बहुत शुक्रिया. सिकंदर बख्त, आपका बहुत शुक्रिया. इंजमाम उल हक सर, आपका बहुत शुक्रिया. फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन 11 बजे एक बार फिर लौटेंगे जश्न क्रिकेट के साथ. आप जियो न्यूज़ पर अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा. फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़.